हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमला ठाकुर फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू क्लास सेकेंड सब्जेक्ट SST चैप्टर फर्स्ट पार्ट सेकेंड। चैप्टर्स नेम इज चेंजेस एंड चॉइसेस। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, आई टॉट यू द टॉपिक ग्रोइंग अप इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड इन दिस पार्ट आई विल टीच यू फर्दर टॉपिक्स। So now let's start. Look here, next topic, we can do things on our own. As we grow, we learn to walk, talk and look after ourselves. जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं, वे चलना सीख जाते हैं, बात करना सीख जाते हैं और अपने आप खुद का देखभाल करना सीख जाते हैं। नीचे एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन है, टेक द थिंग्स यू कैन डू ऑन योर ओन एंड क्रॉस व्हाट यू कैन नॉट डू ऑन योर ओन। इसमें कुछ पिक्चर दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिए। फर्स्ट पिक्चर में बच्ची सूलेस बांध रही है। अगर आप सूलेस बांध सकते हो तो उसमें टिक लगा दो, नहीं तो क्रॉस कर दो। नेक्स्ट पिक्चर में बच्ची साइकिल चला रही है। अगर आप साइकिल चला सकते हो तो उसमें टिक लगा दो, नहीं चला सकते हो तो क्रॉस कर दो। एंड लास्ट पिक्चर, बच्चा खाना खा रहा है। अगर आप खाना खुद से खा सकते हो तो उसमें टिक लगा दो। एंड लास्ट टॉपिक, लर्निंग टू चूज। एज वी लर्न टू डू थिंग्स ऑन आवर ओन, we often have to make a choice. It is important that while making a choice, we are sure if it is the right thing to do. It means जैसे जैसे हम अपना काम खुद करना सीखते हैं, वैसे वैसे हमें कुछ चीज़ों को चुनना जरूरी हो जाता है। और यह महत्वपूर्ण है कि जब हम कोई चॉइस करें तो ये श्योर करें कि जो हम चुनने जा रहे हैं वह सही है। नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पुट अ टिक मार्क फॉर द चॉइस यू विल मेक इफ यू आर अन्ना और सुनील। अन्ना और सुनील के बारे में कुछ क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम अभी बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर नीचे जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। अन्ना हैज टू गो टू अ बर्थडे पार्टी, व्हाट शुड सी चूज टू वियर। अन्ना किसी के बर्थडे पार्टी में जा रही है तो उसे कौन सा ड्रेस चूज करना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर, सुनील इज इन द क्लासरूम व्हाइल हिज टीचर इज स्पीकिंग टू द क्लास, हाउ शुड ही चूज टू बिहेव। सुनील अपने क्लास में है, उस टाइम में उनके टीचर क्लास से बात कर रहे हैं, तो सुनील को उस समय कैसा बिहेव करना चाहिए, आप इस पिक्चर को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसमें टिक लगा दीजिए। नीचे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम अ बेबी टू अ 6-year-old गर्ल बाय नंबरिंग देम 1 to 4। नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है उसको देखते हुए जैसे जैसे बच्ची ग्रो कर रही है, उसके नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें 1 to 4 कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज में दो क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द बेबी एनिमल्स टू देयर पेरेंट्स। रॉ ए में बेबी एनिमल है और रॉ बी में उनके पेरेंट्स हैं। रॉ ए में बेबी एनिमल के सामने नंबरिंग किया हुआ है, उस नंबरिंग को उनके पेरेंट्स के बॉक्स में डालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड हेल्प द फॉलोइंग चिल्ड्रेन मेक द राइट चॉइस। नीचे दो क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको बच्ची को हेल्प करना है, जो राइट चॉइस है उसमें आपको टिक लगाना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसको अच्छे से बना लीजिएगा।
So I think it's enough for today. I will meet